बॉलीवुड में शादियों का सीजन जोरों पर चल रहा है, जिसमें दीपिका रणवीर, प्रियंका निक और कपिल गिन्नी आदि की शादी बड़े धूमधाम से हुई है और अभी भी ये रिसेप्शन देने की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ बात करेंगे उन बॉलीवुड स्टार्स की जो गुपचुप शादी रचाकर अपने फैंस को बड़ा धक्का दे गए हैं। जॉन अब्राहम ने बिपाशा के साथ रिश्तों को लेकर खूब चर्चाएं बटोरी थीं, लेकिन उनके शादी करने की बात का किसी को पता तक नहीं चला था। प्रिया रुंजाल से उनकी शादी का पता काफी दिनों के बाद चला था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार थे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से दो बच्चों के पिता थे। ऐसे में दोनों ने एक रास्ता निकाला, इस्लाम धर्म अपनाकर दोनों ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की शादी को लेकर कई तरह की चर्चाएं रही। एक मैगजीन में शादी का सर्टिफिकेट छपने के बाद मिथुन ने श्रीदेवी से शादी की बात कही थी। विनोद मेहरा और रेखा ने शादी की थी, लेकिन उनके परिवार तक के लोगों को इसका पता नहीं था। हालांकि विनोद मेहरा ने पहले शादी की बात की, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया। जूही चावला लंबे समय तक जय मेहता को अपना अच्छा दोस्त बताती रही थी। काफी समय के बाद ये भेद खुला कि दोनों मियां बीवी हैं, यानी दोनों गुपचुप शादी कर चुके थे। वक्त से पहले दुनिया को छोड़ गई दिव्या भारती ने प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से शादी की थी, लेकिन ये शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई थी। इसकी जानकारी सिर्फ उनके कुछ ही दोस्तों को थी। शम्मी कपूर बॉलीवुड के सबसे जाने माने कपूर परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने और गीता ने परिवार की नामर्जी की वजह से चुपचाप शादी की थी। सैफ अली खान ने जब अमृता से शादी की तो वो उनसे 12 साल छोटे थे। जाहिर है कि उनके माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी को बताए शादी कर ली थी। बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी ने सबको चौंका दिया था। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की। बोनी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी की थी। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने शादी छुपकर तो नहीं की थी, लेकिन शादी में सिर्फ कुछ खास ही लोगों को शामिल किया था। उनकी शादी का पता तो बॉलीवुड के लोगों को भी नहीं चला था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।